वो जो आज आदमी आया था करीम? हाँ वही। उसे आइलैंड पे बुलाना, इकट्ठा रहना, क्या कहूँ, कुछ ऐसा वैसा करना क्या ही है? असल में ठीक है, मैंने सुबह झूठ बोला आपसे, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। मॉम अजीब हालत है, उसे बहुत पसंद करती हूँ, हत्ता के आकान के बाद मुझे लगा सब खत्म हो गया है, आईना कभी प्यार नहीं कर सकूंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, इंसान फिर से आशिक हो सकता है मॉम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटी। भूख लगी है, क्या है खाने में? वेलकम मेरी बेटी। शुक्रिया अम्मी। आज का दिन कैसा गुजरा? ठीक, अल्लाह करे अच्छा ही दिन हो। सुनो, आज क्या उस बंदे के साथ तुम्हारा पीरियड था? कौन बंदा? वो प्ले बॉय जिसे कहते हैं, समीरा ने मुझे नाम बताया था लेकिन मैं भूल गई। क्या नाम है उसका? जान साहब। हाँ वही। उसके बारे में क्यों पूछ रही है? क्यों ना पूछूं? मेरी दुआ कबूल हो गई है, हमारे सर पर अमीर हाथ आने वाला है। अम्मी क्या तेरे दिमाग खराब हो गया आपका? तौबा, लोग पागल हो जाते हैं, मन्नतें मानते हैं, तावीज़ें करते हैं कि हमारी ऐसी किस्मत हो, लेकिन हमारी बेटी को समझ नहीं आती। अल्लाह ताला इसको अकल दे और इसके हाल पर रहम करे। तुम्हें भी नींद नहीं आई क्या? क्या लगता है तुम्हें, तुम भी तो नहीं सोए? ऐसे ही कुछ बात करनी थी। किस बारे में? पिछली बार जब तुम आइलैंड गई थी तो मैंने तुम्हें आने का कहा था, तुमने कहा मैं अकेली रहना चाहती हूँ, फिर मुझे पता चल रहा है कि तुमने अपने टीचर को वहां बुलाया था, अजरा ने बताया मुझे। जान ऐसा नहीं है, मुझे गलत मत समझो, तुम जिसे चाहो मिलो लेकिन मुझसे झूठ मत बोलो, वो भी इस मामले में क्या जरूरत है? तुम कह देती मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ तो यकीन करो तुम्हारी इस बात पर मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता। ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं, हम कितना अलग हो चुके हैं, समझती हो ना तुम, कितना चेंज हो चुके हैं। असल में चेंज मैं नहीं, तुम हो गई हो। जो कुछ हुआ उसके बाद जानता हूं तुम्हें चेंज होना था, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मैं समझता हूं, फिर भी मिस करता हूं वो दिन जब हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो मुझे सब कुछ बताया करती थी, सब कुछ शेयर किया करती थी। चलो मैं ऐसे ही बोल रहा था, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं जान। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, आई एम सॉरी। मैं तो सिर्फ आई लव यू, इसे कभी भी ना भूलना। और मेरे बारे में परेशान नहीं हुआ करो, मैं ठीक हूं बिल्कुल, सच में। या मेरे अल्लाह, मेरी बेटी को बख्श दे, वो अभी जवान है, कोई रास्ता खोल दे, या मेरे अल्लाह उसे फिर से तंदुरुस्त कर दे।
आज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी तुम्हारी. हम लोग बुध को मिलते हैं. ओके सर, हैव अ नाइस डे. खुदा हाफिज. ओके. करीम, तुमसे कोई मिलने आया है बाहर. मुझसे? हाँ बिल्कुल. करीम जी, मेरा नाम नस्लिहान है. मैं शबनम की अम्मी हूँ. बैठो. मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है. असल में मुझे तुम पर भरोसा करने का कोई सबब नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हें कल अपनी बेटी के साथ देखा तो खैर मैं ये बातें करने नहीं आई. शबनम बहुत बुरे दिन गुजार रही है. वो बहुत बीमार है, कैंसर है उसे. काफी अरसा उसने ट्रीटमेंट करवाई, ठीक हो गई, यानी ठीक थी, लेकिन अब फिर वही कैंसर के साइड इफेक्ट. उसे नहीं पता कि मुझे पता है. वो नहीं चाहती कि डॉक्टर के अलावा किसी और को पता चले. वो इलाज नहीं करवाना चाहती. ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती. कुछ किए बगैर मैं नहीं रह सकती. वो तुम्हारे साथ खुश है. काफी अरसे बाद मैंने उसे खुश देखा है. मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज मेरी बेटी को मना लो. अभी उसे हौसला दिलाना होगा. उसे इस बीमारी से छुटकारे के लिए मोराल चाहिए. उसे वो उम्मीद तुम दे सकते हो. शबनम पूरी जिंदगी मेरे खिलाफ रही है. मैंने जो भी कहा है उसने उल्टा किया है. मेरी मदद करो प्लीज, मेरी बेटी की मदद करो. आसरा कैसी हो? ठीक हूँ. मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र हो रही थी. तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ. अब कुछ भी नहीं है. आज करीम के साथ डिनर है. एक घंटे से ये देख रही हूँ कि क्या पहनूं मैं. देखने वाले को लगना चाहिए कि पहली डेट है. इस वक्त आधार दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है. उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर. जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे हम उन पर रहम नहीं करेंगे. शबनम को ये ना पता चले कि मैं यहाँ आई थी, खामखा में अपसेट हो जाएगी. आप परेशान मत हो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा. तो क्या तुम शबनम को मनाने में मेरी मदद करोगे? जानती हूँ कोई भी बीमार औरत के साथ नहीं रहना चाहता. शायद तुम ये सुनकर उससे नफरत करो, लेकिन मेरी मदद करो. मेरी बेटी है वो. सुनो, तुम शबनम को इलाज के लिए मनाओ. जब तक ठीक नहीं होती उसके साथ रहो. मेरी बात तो वो बिल्कुल नहीं सुनेगी. तुम ही उसे किसी तरह मना सकते हो, वरना हॉस्पिटल ना जाने की सेहत बहुत महंगी पड़ सकती है. ठीक है, अगर वो फ्रैंक होती है तो मैं उसे जरूर मनाऊंगा. कामयाब होता हूं कि नहीं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे मना लूं. तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया. करीम,
वो औरत शबनम की अम्मी थी ना? हाँ वही है। वो तुमसे क्या बात कर रही थी? वो मुझसे मदद मांगने आई थी। कैसी मदद? शबनम के बारे में उसे मनाने के लिए। वो जानती है इसके बारे में? कैसे पता चला उन्हें? अल्लाह अल्लाह, और वो तुमसे क्या मदद मांग रही थी? तुम क्या कर सकते हो इसमें? वो कहती है कि शबनम मेरी बात मान जाएगी। वो इतनी लाचार है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा वो किससे मदद मांगने के लिए जाए। उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो वो खुद अपनी बेटी को क्यों नहीं मनाती है? मगर शबनम नहीं चाहती कि किसी को पता चले। कितनी अजीब बात है ना, इंसान के पास पैसे हो तो हम समझते हैं कि इसके पास कोई दर्द नहीं, लेकिन खुशी और गम पैसे देखकर नहीं आती। क्या सोच रहे हो? पता नहीं, शायद कोई रास्ता हो, इलाज होने के बाद वो ठीक हो जाए। मैंने तो अपने कानों से सुना था, डॉक्टर ने कहा था अगर वो इलाज करवाए भी तो बचने के सिर्फ 5% चांसेस हैं। अब शबनम इतनी बेवकूफ नहीं कि अपनी जिंदगी का इतना सा बचा हिस्सा भी वो हॉस्पिटल में गुजारना चाहेगी। शबनम इसे सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहेगी। ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है ना, कुछ पता चलता क्या है? मतलब क्या पता चलता है? क्या मतलब है तुम्हारा? चाहते क्या हो तुम बताओ मुझे, कि शबनम इलाज करवा के ठीक हो जाए? तो क्या तुम ये चाहती हो कि वो मर जाए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे हाथ में है सब कुछ, जो है वो सामने है। हो सकता है कोई बचने का चांस हो तो। नहीं करीम, नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम कहां से जानती हो? या तो तुम सिर्फ यही सोचना चाहती हो। तुम क्या कहना चाह रहे हो? किसी के मरने से अगर मुझे फायदा हो रहा है तो क्या मैं उसे कातिल हूं? मेरी जिम्मेदारी है वो। देखो, मैं नहीं कहना चाहता था। तो क्या चाह रहे थे? मैं यहां हम दोनों के लिए इतना कुछ सोच रही हूं और तुम पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। अच्छा सॉरी, प्लीज जानू ऐसा ना करो। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तो अपनी सोच को बदलो और सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद याद रखो। तुम हमारा मकसद उसे इलाज के लिए मनाना नहीं है, हमारा मकसद अपना प्लान पूरा करना है। अपने जहन में बिठा लो इसे। बाहर जा रही हो क्या? हाँ, करीम के साथ बाहर जा रही हूँ। ओह, बस आने वाला होगा। अच्छा, नहीं पीना। देखो अभी तो ठीक। अच्छा मॉम, ध्यान रखूंगी खुद का, आप परेशान बिल्कुल मत हो। चलो ठीक है। हाँ, आ गया। हेलो करीम, मैं बस उतर रही हूँ। अच्छा ठीक है, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा बहुत हो गया, अगर लेट हो जाऊं तो परेशान हो। चलो ठीक है।
गुड इवनिंग। कहाँ जा रही हो शबनम? डिनर पर जा रही हूँ करीम के साथ। याद है पार्टी में आया था? इतनी जल्दी भूल गए तुम जान। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ करीम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस पे जाओगे? परेशान ना हो, जैसी दिखती है उससे अच्छी है। अच्छा गुड नाइट। अपना ख्याल रखना। काफी अरसे से बाइक पर नहीं बैठी हूँ। बैठ जाओ, अपना ख्याल रखना। उड़ गई तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। एजे वेलकम जान साहब। तुम यहाँ इस वक्त तक क्या बात है? नस्लिहान मैडम और मैं कुछ दिन घर पर ही काम करेंगे। क्या इस वक्त तक? कल का कुछ काम रह गया था इसलिए लेट हो गई हूँ। अम्मी कहाँ है? ऊपर हैं, शबनम मैडम के रूम तक गई हुई हैं। अम्मी क्या कर रही हैं यहाँ पर? कुछ नहीं, शबनम से बातें कर रही थी, वो भी गई है। अभी जाते हुए देखा, करीम के साथ थी। कुछ हुआ है क्या? नहीं, सिर्फ ये कि करीम कौन है, ये लोग कहां से इतने फ्रैंक हो गए हैं, यानी शबनम इस जैसे आदमी के साथ कैसे? क्या मतलब ऐसा आदमी? आप समझती तो हैं, ऐसा आदमी शबनम को सूट नहीं करता। शायद शबनम को वो लड़का पसंद हो, तुम्हें क्या पता? मतलब आपको इससे कोई भी मसला नहीं है? वैसे अभी तक तो आपको धमाल मचा देना चाहिए था। आपकी नजर में तो शबनम के लिए कुछ सही नहीं है। और तुम भी तो बहन की साइड लेते हो अक्सर। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपको करीम की नीयत का कुछ पता है? या तो वो सिर्फ चांस मार रहा है या फिर उसका मकसद कुछ और है। मेरे ख्याल से तो जो उसका मकसद है वो साफ नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता, वो मुझे अच्छा लड़का लगता है। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? पता नहीं, यानी सोचा नहीं। बेटा अब हमें करीम की जरूरत है, यानी शबनम के लिए। क्या कह रही है, शबनम को उसकी जरूरत क्यों होगी? आखिर हमें उस जैसे शख्स की क्या जरूरत है? शबनम को खुश देखने के लिए। वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन कल परसों अगर वो शादी का कहेगा तो क्या करेंगी? पागल मत बनो जान, क्या शादी वादी, अभी कल ही तो मिले हैं, अभी से कहाँ की शादी। हालत कैसी है लड़की की? मर गई वो, उसे इस फाइल के मुताबिक ही सजा होगी। बारिश बहुत तेज हो रही थी कि मुझे लगा कि सिर्फ बैरन हिट हुआ है। वो मां बनने वाली थी। कैसी है? वैसी ही है ना जैसे मैंने कहा था? मेरे ख्याल से तुमने कम बताया मुझे। जितनी फिश जिंदगी में खाई है सबसे अच्छी लगी है मुझे ये। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थोड़ी सी और मंगवा लेते हैं। हाँ मैं हाथ धोकर आती हूँ। थैंक यू।
मेरी जान, फोन क्यों कर रहे हो? सब कुछ ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, परेशान मत हो, बस तुम्हें याद कर रहा था। मैं भी। क्या कर रहे हो? शबनम नहीं है वहाँ पर? नहीं, वो हाथ धोने गई है। मैंने सोचा तुम्हारी आवाज सुन लूं। आई लव यू। लव यू टू मेरी जान। अजरा का बॉयफ्रेंड है ना ये? तो हाँ हाँ वो ही है। एक मिनट इसको मिलकर आती हूँ। करीम कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डिनर करने आया हूँ। अजरा के साथ आए हो? हेलो, मैं शबनम हूँ। खुशी हुई मिलकर। मैं मिलिस। ठीक है, फिर मिलते हैं। आप एंजॉय करें। आपका शुक्रिया। कितना बड़ा शहर है ये, कितनी जगहें हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखी हैं। चाहती हूँ दुनिया घूमूं। पहले इस्तांबुल तो घूम लूं मैं। जिस जगह पैदा हुई हूँ वही नहीं देखी। इस शहर को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। जरूर सैर कराऊंगा तुम्हें भी किसी दिन। अभी तक गई क्यों नहीं? आजकल घर पे ही काम कर रही हूँ ना। अच्छा, आज घर पर ही हूँ ना? हाँ। ये बताओ, बहुत थक तो नहीं रही आजकल? मॉम, करीम मुझे ऐसी जगहें लेकर गया जो मैंने नहीं देखी थी। देखिए इन पिक्चर्स का। उस लड़की के बारे में पता किया तुमने क्या? कौन है? हमसे कुछ छुप सकता है क्या? जल्दी बोलो। हाँ तो सुनिए, नाम है शबनम वराल। वो जो वराल होल्डिंग है ना, उसकी वारिस, यानी पैसों की खिड़की। और वो भी ऐसी कि जैसे समंदर की झाग जितने पैसों की। अच्छा भाई, वैसे आपको मैं क्या बताऊं लड़की के घर के बारे में। घर क्या, पूरा शहर है भाई। हर किस्म की आसाइश है उस लड़की के पास। बहुत ही पैसा है उसके पास। अच्छा तो ये चल रहा है। लगता है वो हमें सीरियसली नहीं ले रहा है। उसको बताना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं भाई, वो तो आजकल सिर्फ मौज मस्ती में लगा हुआ है। उसे तो परवाह ही नहीं है, कभी इस लड़की के साथ घूम रहा है तो कभी उस लड़की के साथ। बेटा तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसका दिमाग तुझसे ज्यादा चलता है। वो अमीर लड़की को लूटने के चक्कर में है। अच्छा तो ये बात है। अच्छा जबरदस्त, सारी बात समझ में आ गई। अजरा, मिस यू सो मच मेरी जान। क्या हुआ, क्या बात है? नहीं बस ऐसे ही। मिस कर रही थी तुम्हें, बहुत मिस किया। अगर चाहो तो प्लान कैंसिल कर दो, या तो फिर। नहीं करीम, मैंने कहा ना वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बंद करो ये बातें करना। अजरा, अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो सारा चलेगा। तो और क्या करूं? जब ये सोचा था तब आसान लगा था मुझे, लेकिन जब गुजरती है तब पता चलता है
नहीं है। तुम्हें शेयर करना बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें यकीन है? ना भी हूं तो कोई और रास्ता है क्या? ठीक हूं मैं इसलिए। तो शादी के लिए कब कह रही है वो? अभी हमें मिले दिन ही कितने हुए हैं, इतना जल्दी शादी के लिए भी कह दो क्या? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन 15 दिन हो चुके हैं। हमें अब कदम उठाना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना, क्योंकि न शबनम के पास वक्त है ना हमारे पास। फिर भी हमें थोड़ा वक्त और चाहिए होगा। मैंने कहा ना वक्त नहीं है, मुझे डर है कि वो और बीमार ना हो जाए और हमारे पास उतना भी चांस नहीं बचेगा फिर। इसलिए जो मैं कह रही हूँ वो समझो तुम, जो करना है जल्द से जल्द करना है। थोड़ा और प्लीज। शबनम तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, अब बस करो। तुम मॉम की तरह एक्ट तो मत करो, दिल कर रहा है पीने दो आज मुझे। और वैसे भी क्या कहा था, फिक्र जिंदगी एक टूटे हुए ग्लास में पानी की तरह होती है, पियो ना पियो फायदेमंद है। बस जिंदगी को एंजॉय करो, क्योंकि जिंदगी जियो या ना जियो गुजर तो जानी है। बटने लगा ये दिल तेरे कहे रास्तों पे, चलने लगा ये